इस तरीके से ये लास्ट लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं भरता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज का वीडियो ना, मैं आपको अपना व्यू दिखाना चाहता था। मैंने आपको बताया था कि बारिश वगैरह थोड़ा बहुत चालू हो गया, जिसके वजह से डैम वगैरह भर रहा है। तो मेरे फार्म का एक्चुअल व्यू किस तरह हो जाता है और उस प्लेसेस को लेकर मैं किस तरीके से अपना, अगर मैं चाहूँ तो भैंस भी रख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मछली पालन भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो डक फार्मिंग भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छे पैमाने में कर सकता हूँ। तो ये सारे चीज़ों के लिए मैं व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ और बेसिकली बैक कैमरा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा फार्म वगैरह किस तरह, कैसा और कैसा दिख रहा है। सो और कितने सारे बिजनेस ऑप्शन हैं, पर उसको समय दे देकर हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फार्म जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चालू है। तो आप देख रहे हैं सब मटेरियल वगैरह गिरा वगैरह है, वहाँ पे काम हो रहा है। और अभी मेरे को व्यू दिखाना है, तो मैं डायरेक्टली आपको सरप्राइज करने वाला हूँ कि ये हमारा फार्म और ये हमारा कैनल। ये देखिए दोस्तों, एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि देखिए किस तरीके का व्यू आ जाता है। एक बार आप यहाँ पे पूरे अच्छे से देखिए गाइस, इस तरीके से। ये लास्ट लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं भरता। आपको दिखाने का मेरा पर्पस यही है कि आप सोचिए, अगर इस तरीके के प्लेसेस है और कम से कम 6 महीना इस तरह पानी स्टोर होगा, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम अगर हम यहाँ पर भी कर देंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे से स्टोर भी हो जाएगा और थोड़ा सा ऊंचा भी हो जाएगा। और यहाँ पे हम चाहेंगे तो डक फार्मिंग वगैरह भी कर सकते हैं और परमिशन लेकर भी कर सकते हैं और बहुत आराम से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप पूरा व्यू देखिए, आप मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी मतलब चाहे तो हम बहुत सारे कुछ लगभग इस तरीके में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे प्लेसेस है मेरा, उस हिसाब से तो मैं डक फार्मिंग या मछली पालन वगैरह का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ये वहाँ पे आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, ये ऊंचा है, वहाँ तक पानी कभी नहीं पहुँचता। और ठंडक का जो है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा राहत होगा हम लोग को और हमारी गायों को। सो आप पूरा व्यू वगैरह देख सकते हैं, वो देखिए वहाँ पर रोड है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हम लोगों ने थोड़ा मस्ती वगैरह में मछली वगैरह भी ऐसा पकड़ा है। सो यू विल बी सरप्राइज गए कि मैंने कभी मछली वगैरह नहीं पकड़ा है, लेकिन लगभग एक ऐसी इतनी बड़ी मछली मैंने पकड़ी जो लगभग 4.5 से 5 kg का है। और उसको हमारे मतलब झारखंड के लैंग्वेज में कतला बोलते हैं। अब और जगह क्या बोलते हैं वो तो नहीं पता, थंबनेल में तो आपने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी उसको डिटेल में दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो मतलब लेबर वगैरह उन्होंने पकड़ा और मतलब मैंने बस हेल्प किया। सो हमारा फार्म आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मैं फ़िलहाल तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि आपको, ये देखिए मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा लेट वीडियो स्टार्ट किया हम लोगों ने, हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग वीडियो इसके लिए बनाएंगे, लेकिन सोचा कि अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, अभी भी ये जिंदा है और काफ़ी बड़ा है। आपको कैमरे में तो ऐसा अज्यूम मतलब नहीं कर सकते, लेकिन है काफ़ी बड़ा। ये फार्मिंग है अपना, मुर्गी फार्मिंग है, मछली पालन है भाई, पैसे बनते हैं, समय लगाना पड़ता है। कई सारे बिजनेस से आप अपना मतलब, अगर आप एक फार्म के लाइन पे आ रहे हैं तो कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास। लोग बस हवा बोलते हैं ना, हवा उड़ा के रख दिए कि भाई कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आप थोड़ा अपना माइंड यूज़ करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो ज़रूर होगा। और भगवान करे आप कहीं ना कहीं अच्छा ग्रो करें भाई इस चीज़ में। लोगों के अंदर एक गलत भावना आ गई है, हाँ, पर आप कहोगे कि सिर्फ एक ही बिज़नेस को लेकर आप बहुत आगे जा सकते हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, छोटे से स्टार्ट करना है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। जय जवान जय।